वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल और मैं हूँ भीमताल की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी में, जहाँ से मैं कवर करने वाली हूँ आज भीमताल और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पहुँची थी कुछ 2 बजे करीब एंड अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल लोकेशन। ये प्रॉपर्टी में ही कहते हैं सब कुछ है, वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड, स्विमिंग पूल से लेके एक्टिविटीज से लेके बहुत कुछ है। मैं प्रॉपर्टी का नाम डिस्क्लोज ज़रूर करूँगी एंड मेरा जो रूम है वो कुछ ये है पीछे वाला। ये तुम्हारे पास कुकू क्या कर रही है? कुकू बाहर आ गई। अच्छा बाहर आ गई, तुम लेकर आए हो उठा के, तुम झूठ बोल रहे हो। सो अच्छा रहने दो तुम। दैट इज अ पार्किंग ओवर देयर इज अ स्विमिंग पूल एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस ब्लॉग। सो गाइस ये वाला है जो स्वीट रूम कहते हैं इसको। दिस लुक्स एक्चुअली मार्वेलस। Look at this. They have the bathrobes also. They have a small locker with the almira facilities. मुझे रूम बहुत प्यारा लगा। प्लस यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पर बाथटब है एंड यू हैव ऑल यूटिलिटीज़ इन एवरी रूम इंक्लूडिंग हेयर ड्रायर। एंड लेट्स शिफ्ट टू बालकनी कि इसकी बालकनी से व्यू कैसा आता है। लेट्स गो टू द बालकनी। Let's go to the balcony. Look at this. इस वक्त शाम का व्यू हो चुका है, 7 बज रहे हैं, फिर भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पे ये 7 एकड़ की प्रॉपर्टी है विथ फुल ऑफ काइंड ऑफ एवरी एक्टिविटीज़। और ऐसी जगह मतलब कि आप चूज़ कर सको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आने के लिए और यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इतनी ही प्यारी और इतनी लग्जरियस प्रॉपर्टी है। सो दिस इज अदर कैटेगरी रूम जिसमें लिटरली थोड़ा सा उस रूम से स्मॉल है, मतलब छोटा है, बट दिस इज ऑल्सो देयर लग्जरियस काइंड ऑफ रूम विच विद एवरी यूटिलिटीज यू रिक्वायर्ड इन अ बेसिक रूम। टेलीविजन हमारे उस रूम में भी था, इवन दो स्टडी एरिया, सिटिंग एरिया, ऑसम बेड। इनके बेड्स अच्छे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक रूम में सो रही हूँ, सो आई फील लाइक बेड अच्छे हैं। एंड दिस इज़ द व्यू अगेन, द सेम व्यू विद द बालकनी। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है कुछ उस तरफ, प्लस जो नीचे वाला एरिया है यहाँ का, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। सो आपको दोनों में से कौन सा रूम पसंद आया? ऑब्वियसली आई शो यू माई रूम एज वेल, मुझे कमेंट करके बताओ। यस देयर आर द फ्रिज ऑल्सो अपर कैटेगरी रूम्स में। मगर सो दिस इज सुपर डिलक्स क्वालिटी रूम विद बाथरोब्स। एंड सबसे अच्छी चीज़, पहले मैं आपको इस रूम का सबसे अच्छा बताती हूँ, दिस इज द बाथटब। और थोड़ा सा बड़ा बाथटब है हमारे पहले वाले रूम से। लुक एट द मिरर, इट इज एक्चुअली ह्यूज एंड विद द यूटिलिटीज ऑल्सो दे हैव मेंटेन सो मच क्लीनलीनेस। मतलब हर रूम अगर आप चेक करोगे तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और इवन तो अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो, दे हैव दिस सोफ़ा कम बेड विच वाज एक्चुअली देयर अगर हम फर्स्ट रूम की बात करें जो ने आपको शो किया। एंड ये आपका नॉर्मल बेड विद अगेन द ह्यूज मिरर। हाउ इज़ दिस रूम बताओ मुझको, मुझे ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ से भी आपकी बालकनी एरिया है, मतलब इन्होंने यहाँ पे 44 रूम्स हैं, इन्होंने हर रूम को बहुत अलग तरीके से मेंटेन करा हुआ है। सो दिस इज रॉयल शेल और ये बिल्कुल रॉयल्टी की तरह ही लग रहा है विद ह्यूज अलमीरा, मतलब ह्यूज वार्डरोब। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी बाथरूम है विद द टीवी। आई लव द सिटिंग एरिया एंड इवन द स्टडी प्लेस इज ग्रेट। और उसके अलावा हर रूम में इस प्रॉपर्टी में इंटरकॉम फैसिलिटी है। जस्ट लुक एट द बालकनी, इट गिव्स मी द वाइब ऑफ जंगल एक्चुअली। यहाँ पे शाम के वक्त बैठ कर यू नो टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगेगा। ओके साथ वाली बालकनी भी अटैच है एंड आई गेस सामने भी एक रूम है मेरे जहाँ पे फैमिली रुकी हुई है। सो दैट इज़ एक्चुअली यू नो मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी, यू नो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, दिस इज वेरी फर्स्ट डे। दिस इज चिल्ड्रंस पार्क, यहाँ पूरा खेलने का जगह है इस जगह पर। सो हाउ इज़ दिस वन, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट वन, मुझे सबसे बेस्ट अब तक मैं घूमने का यही लगा। एंड यहाँ पर भी रखने की जगह है, सामान बहुत सारी, प्लस आप यहाँ पर भी रख सकते हो अगर आपका वेकेशन का लंबा प्लान है।
और उसके अलावा लेट्स जस्ट सी द वॉशरूम. ओके दे हैव द ह्यूज वॉशरूम विद अ बाथटब. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया विच इज एक्चुअली प्रीटी ऑक्यूपाइड. और वैसे तो यहाँ पे अला कांटे लगता है बट अला कांटे लगा नहीं है. आई मीन अला कांटा गया, सॉरी बुफे लगता है, बुफे लगा नहीं है. So this is the day 2 and we are going for the breakfast abhi morning mein. So aaj we have a lot of plan to explore this property. Ye property mein around ye hi ek aisi property jahan pe 120 cars ka space parking hai. Har room kamre mein air conditioner hai, I mean AC hai. So let's do the activity today aur dekhte kaun kaun si activities hai yahan par, including cycling, पेंट बॉल, स्विमिंग पूल, जिप लाइन. सो दे डू हैव दिस ऑल. दिस इज एक्टिविटीज ऑन. द जिप लाइनिंग, इट वॉज गुड. एक्चुअली इट वॉज गुड, आई लव्ड इट. ये सामान जरा मैं वापस देने जा रही हूँ जो मैंने पहना हुआ है. सो इनके पास छोटे छोटे टेंट शेड्स भी हैं. यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो मोर देन लाइक 4 पीपल है, आराम से रुक सकते हैं. बिकॉज हेयर इज़ डबल ऑक्यूपेंसी, हेयर इज़ सिंगल ऑक्यूपेंसी. और इसके अलावा इनके पास एक छोटा सा भी टेंट है उस तरफ, आई गेस वो सिंगल ऑक्यूपेंसी होगा, डबल ऑक्यूपेंसी है. ओके ये व्यू मॉर्निंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है. वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस. अगर आप भीमताल आ रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हो. दिस प्लेस इज़ वेरी नियर, आई मीन 5 मिनट्स अवे फ्रॉम भीमताल लेक एंड अराउंड हाफ एन आवर डिस्टेंस फ्रॉम नीम करोड़ी बाबा मंदिर. सो नेक्स्ट टाइम प्लान योर स्टे विद दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू, बाय बाय.